Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I am Dr. Gunjan Goyal and today we are going to start the part 3 of our chapter number 4, that is carbon and its compound. ये हमारी class 10 का chapter number 4 है, unit 1 का, और इसके दो parts हम already कर चुके हैं और आज हम part number 3 करने वाले हैं. So let's see what are the topics we'll be covering under this part. सबसे पहले हम organic compounds की physical properties के बारे में पढ़ेंगे. देन हम कार्बन की एक एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी वैसे डेफिनेशन होती क्या है, एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ने वाले. देन उसकी वेरियस जो फॉर्म्स हैं उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे. देन हम लोग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करने वाले हैं जिसमें से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं. सो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. तो समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, समटाइम्स कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से आ जाते हैं. तो इस टॉपिक को समझ के करिएगा, बिकॉज समटाइम्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें आंसर आता होता है बट हमें ये नहीं पता होता कि वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. सो वी शुड नो कि हमें जब चीज की समझ होगी तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर इजिली कर पाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी ऑर्गेनिक. तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ज्यादातर उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो ही बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, बहुत वीक होती है. क्या होती है, बहुत वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है. ठीक है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है. और जो कार्बन कंपाउंड ज्यादातर होते हैं इनकी ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते आपस में रिएक्ट करने के लिए, इसलिए रिएक्टिव नहीं होते और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखिए, कुछ कंपाउंड है जैसे एसिटिक एसिड हो गया, कार्बन की कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया. इनके यहाँ पे इस टेबल में मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं कि ये इतने मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट कर जाएगा, इतने बॉइलिंग पॉइंट पे ये बॉइल कर जाएगा. सो दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट कम्स द सेकंड टॉपिक, दैट इज एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी क्या होती है, हम लोग एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ते हैं कि एलोट्रॉपी एक्चुअल में होती क्या है. एलोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हो. ठीक है, दो या दो से ज्यादा फॉर्म में कोई भी एलिमेंट जब एग्जिस्ट करता है और उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो तो डिफरेंट है बट उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हो. क्या चीजें हमने पढ़ी, तीन पॉइंट पढ़े एलोट्रॉपी की डेफिनेशन में. पहला, जब कोई भी एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हो. दूसरी प्रॉपर्टी, जब उसकी फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट हो. थर्ड प्रॉपर्टी, जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो. तो वो फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी. द फिनोमिना इन विच एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स एंड हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड एज एलोट्रॉपी. और इसमें जो कार्बन हमारा कंपाउंड है इसकी तीन मेन एलोट्रॉप्स प्रेजेंट है. ठीक है, थ्री मेन एलोट्रॉप्स आर देयर. फर्स्ट इज डायमंड, सबने सुना होगा डायमंड के बारे में. ठीक है, तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है. तो जो कार्बन है हमारा, ठीक है, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें ये अर्थ क्रस्ट में डायमंड हमें मिलता है देखने को. तो जो कार्बन होता है ये कार्बन का ही बना हुआ है डायमंड. तो एटम जो है, चार अदर एटम्स कार्बन के, एक कार्बन चार कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ठीक है, 3D स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन एटम से बना हुआ है. तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वेरी हार्ड सब्सटेंस. यूजुअली जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो इतने हार्ड नहीं होते बट डायमंड जो है इट्स क्वाइट हार्ड सब्सटेंस. और अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये गुड ये बैड कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो ये एक इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है और ये रॉक्स की ड्रिलिंग और कटिंग के लिए भी यूज किया जाता है. और ज्वेलरी के बारे में तो आपको सबको पता है कि डायमंड की ज्वेलरी सब लोग पहनते हैं. ठीक है, एवरीबॉडी वांट्स डायमंड. ओके, तो डायमंड के बारे में सब लोग जानते हैं बट ये कार्बन से बना होता है. तो आप सोच के देखिए, कार्बन से डायमंड भी बना हुआ है, कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है. ग्रेफाइट भी कार्बन की ही एक एलोट्रॉप है. ग्रेफाइट
यानी कि जो आपकी पेंसिल के आगे की वो होता है ब्लैक ब्लैक सा, दैट इज ग्रेफाइट. ठीक है, तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लीजिए. बट लुक एट द वैल्यू, लाइक हाउ एक्सपेंसिव दिस इज, एंड दिस इज लाइक चीप. एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी, डायमंड बहुत रेयरली अवेलेबल है, ग्रेफाइट थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है. ठीक है, जबकि स्ट्रक्चर वेरी करते, आप देखिए स्ट्रक्चर वेरी करने से चीज की वैल्यू कितनी कम ज्यादा हो जाती है. डायमंड कितना एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर अदर एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन. देन इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट में देखिए एक कार्बन एटम तीन अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है. ठीक है, बट ये 3D स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं फॉर्म करता. ठीक है, ये इस तरह से नहीं होता. ये एक कार्बन यहाँ पे चार कार्बन एटम से जुड़ के 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करे, यहाँ पे एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. ठीक है, और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ये एक्सेप्शन हो गया, है ना. बैड कंडक्टर्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, है ना, ये गुड कंडक्टर हो गया, और ये ल्यूब्रिकेंट का भी काम करता है. देन इज बकमिंस्टर फ्यूलरिन. ये एक थर्ड तरह का एलोट्रॉप है कार्बन का. तो ये एक हमारे US के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उनके नाम से ये नाम दिया गया बकमिंस्टर फ्यूलरिन. तो इसको फ्यूलरिन बोला जाता है बिकॉज ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का. इसमें क्या होता है, 60 कार्बन एटम जो आपस में जुड़ के एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल शो करते हैं, एक बॉल की तरह मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. तो इसलिए इसको फ्यूलरिन बोला जाता है आफ्टर द नेम ऑफ US आर्किटेक्ट, दैट इज बकमिंस्टर फ्यूलरिन. और ये डार्क सॉलिड होता है एट द रूम टेम्परेचर. तो ये तीन एलोट्रॉप्स है कार्बन के, फर्स्ट इज डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट, एंड थर्ड इज फ्यूलरिन. ओके, सो यहाँ पे आप लोग डायमंड और कार्बन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ठीक है, किस तरह का ये 3D स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे चार से आप एक कार्बन चार से जुड़ा है, यहाँ पे एक कार्बन तीन से जुड़ा हुआ है. ओके, देन इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है. बिकॉज कार्बन जो कंपाउंड है वो उसकी एग्जिस्टेंस इतनी ज्यादा किस तरह से, वाई इट इज प्रेजेंट इन सच अ लार्ज नंबर. तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी एग्जिस्टेंस इतने लार्ज नंबर में इसलिए बिकॉज ऑफ दी टू थिंग्स, वन इज कैटिनेशन एंड सेकेंड इज दी टेट्रावेलेंट नेचर. सो कैटिनेशन क्या होता है और टेट्रावेलेंट नेचर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं. तो ये आपको जब क्वेश्चन आएगा कि व्हाई दी कार्बन इज प्रेजेंट इन सच अ लार्ज नंबर, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज टू थिंग्स. ठीक है, तो जब क्वेश्चन उस तरह से आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये आंसर किस तरह से करें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. तो कैटिनेशन में क्या आ रहा है, कैटिनेशन में क्या बता रहे हैं वो, कि जब कोई भी कार्बन एटम, ठीक है, स्पेशली कार्बन एटम खुद से लिंक करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करे, है ना. अब आपने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन से ज्वाइन करके भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. तो जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, आपस में जुड़ के आपस में ही बॉन्ड फॉर्म करके, ठीक है, वो बड़े बड़े साइजेस के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते, चाहे वो स्ट्रेट चेन फॉर्म करे, चाहे वो ब्रांच चेन फॉर्म करे, चाहे वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करे, ठीक है, डिफरेंट साइजेस के, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन. द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके आपस में जुड़ जुड़ के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दे, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो, या फिर रिंग स्ट्रक्चर हो. तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन. तो कैटिनेशन की ये जो प्रॉपर्टी है, वाई इट इज ड्यू टू, कि वो किस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं और वो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं. वाई, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम. ठीक है, पहली चीज, जो कार्बन एटम है उसका साइज स्मॉल होता है इसके कारण. दूसरा, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है. जो कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. तो ये दो रीजंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जो कार्बन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करता है खुद के साथ भी और दूसरे एटम्स के साथ भी. ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी, खुद के साथ भी कार्बन कार्बन भी जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और अगर आप बात करें
हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी, यानी कि दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी बॉन्ड वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म करता है, चाहे वो इस तरह का हो गया कोई भी तरह का हो गया, ये स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करता है. सो दिस इज अबाउट कैटिनेशन. ये वो स्ट्रेट चेन भी फॉर्म कर सकता है, जैसे कि आप देखिए ये प्रोपेन है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग प्रोपेन बन गया. तो इस तरह की जिसमें वो स्ट्रेट चेन सीधे सीधे अपनी जुड़ता चला जा रहा है तो उसको चेन बन जाती है, दैट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड. तो इस तरह की कंपाउंड फॉर्म कर सकता है. दूसरा हमने पढ़ा कि वो ब्रांच चेन कर सकता है. ब्रांच चेन में क्या है कि वो ब्रांचेस फॉर्म कर दे. यहाँ पे देखिए ये कार्बन कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे एक तीन हाइड्रोजन लग गए, उसका एक खाली है, उसको एक और चाहिए, उसने यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया. यहाँ पे कार्बन के तीन सीधे आगे लगे हुए हैं, तो ये जब तीन एक साथ लगे हुए एक ऊपर नीचे लग गया तो ये चेन बन गई. यहाँ पे देखिए जैसे तीन यहाँ लगे हुए, एक यहाँ लग गया, एक ऊपर लग गया, तो ये क्या बन गया, चेन बन गई. इसको ब्रांचेस बोलते हैं, ये ब्रांचेस बन गई, ठीक है, वो स्ट्रेट चेन थी, ये ब्रांचेस फॉर्म हो गए. तो ये भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी. या फिर वो एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर ली इस तरह से, देखिए ये बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर हो गया, तो साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हेक्सेन मीन्स छह कार्बन एटम्स इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो ये भी कैटिनेशन हो गया. और ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन. देन इज दी देखिए ब्रांच, ये होगी लीनियर चेन, ये ब्रांचेस जो इस तरह से ऊपर नीचे हो जाती है इसको ब्रांचेस बोलते हैं, और ये जो रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से क्लोज स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर ली इसको रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, दिस इज कैटिनेशन. देन इज सेकेंड प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब है, कार्बन एटम जो है उसके फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी वेलेंसी कितनी है, उसके अपने भी आउटर मोस्ट शेल में चार वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और उसकी वेलेंसी भी चार की है, उसको चार ही और रिक्वायर्ड है. तो जो अपनी बॉन्डिंग चार अदर एटम्स कार्बन से कर ले या फिर कोई और एटम से कर ले बाय फॉर्मिंग सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज टेट्रावेलेंट नेचर. टेट्रावेलेंट नेचर का मतलब कि इट हैज अ वेलेंसी ऑफ फोर, सो ये फोर इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करता है, चाहे तो कार्बन एटम से करे चाहे और किसी हेट्रो एटम से करे, बाय आइदर बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और बाय डबल बॉन्ड और बाय ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सो दैट इज टर्म्ड एज टेट्रावेलेंट नेचर. तो ये दो नेचर के कारण वो बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, जबकि जो दूसरे होते हैं जो ये इसका साइज छोटा होता है, साइज इसका स्मॉल होता है, तो इसके बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंट नेचर. तो टेट्रावेलेंट नेचर में आप देखिए यहाँ पे क्लोरोइथेन में कार्बन ने एक बॉन्ड कार्बन से शेयर किया, दो हाइड्रोजन से कर दिया और एक क्लोरीन से कर दिया. यहाँ पे देखिए इसने दो हाइड्रोजन से करिए, एक पीछे इधर कार्बन से कर लिया और इधर एक ऑक्सीजन OH से कर लिया, है ना. और यहाँ पे भी इसने एक ऑक्सीजन से कर लिया, एक कार्बन से कर लिया, ठीक है, दो कर लिए. यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कर लिया, एक हाइड्रोजन से कर लिया और एक कार्बन से कर लिया. तो इस तरह से एक तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, चाहे वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर ले चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर ले. तो जब उसकी चार वेलेंसी है उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए वो जब फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है तो उसको टेट्रावेलेंट नेचर बोला जाता है, ठीक है. तो टेट्रावेलेंसी आप देख सकते हैं किस तरह से इस पिक्चर में भी दिखाई गई है कि कार्बन ने अपने चार जो है बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करके चार कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दिए, है ना. So this is about this part. So I hope this part is clear with you. So if you're facing any doubts, feel free to ask me queries. Okay. And this is the topics we'll be covering under the next video. One is hydrocarbons. Hydrocarbons ki further classification, saturated kya hote hain, unsaturated kya hote hain. Aur un hydrocarbons ka electron dot structure kis tarah se likha jata hai. So we are going to do in the next video. So thank you so much, and if you like this video then please press the like button and share this video with your friends, as your likes and shares they really matters a lot for us, and don't forget to subscribe my channel.
Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow.